एक अमीर औरत पीर साहब के पास गई और कहा कि पीर साहब मुझे कोई ऐसा तावीज़ दें कि मेरा शौहर मेरी हर बात माने, जो भी मैं उसे कहूँ वो मेरे ताबे हो जाए। पीर साहब भी दूरंदेश इंसान थे, उन्होंने इस औरत की बात गौर से सुनी और कहा कि ये अमल तो शेर की गर्दन के बाल पर होगा और वो बाल भी आपको खुद शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाना होगा, तब असर होगा वरना कोई फ़ायदा ना होगा। वो औरत बहुत परेशान हो गई और मायूस होकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों को बताया। एक सहेली ने मशवरा दिया कि काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, तुम ऐसा करो कि रोज़ाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाया करो और जहाँ शेर आता है वहाँ डालकर छुप जाओ। कुछ अरसे बाद शेर के सामने जाकर डालो, वो गोश्त का आदि हो जाए तो तुम इसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और इसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर देना, और जब शेर आपसे मानूस हो जाए तो गर्दन से बाल उखेड़ लेना। इस औरत को बात पसंद आई, दूसरे दिन ही इसने गोश्त लिया और जंगल गई और गोश्त डाल के छुप गई। शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। इस औरत ने 1 माह तक ऐसा ही किया। 1 माह बाद इसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया ताकि शेर को पता चल सके कि इसकी खिदमत कौन करता है। कुछ अरसे बाद शेर भी औरत से मानूस हो गया था। औरत ने शेर की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक दिन औरत ने मौका देखकर शेर की गर्दन से बाल उखेड़ा और खुशी खुशी पीर साहब के पास पहुंच गई और बाल पीर साहब को दिया और कहा कि मैं शेर की गर्दन से बाल उखेड़ कर ले आई हूं, अब आप अमल शुरू कर दें। पीर साहब ने जवाब दिया। पीर साहब ने पूछा कि कैसे लाई हो, तो औरत ने पूरी तफसील बता दी। पीर साहब मुस्कुराए और कहा कि तुम्हारा शौहर इस जंगली दरिंदे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि खूनख्वार होता है, जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की और वो तुमसे इतना मानूस हो गया कि तुमने इसकी गर्दन से बाल उखेड़ लिया और इसने तुम्हें कुछ भी न कहा। तुम्हारे शौहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, तुम इसकी खिदमत करो। जब जंगली दरिंदा खिदमत से इतना मानूस हो सकता है तो एक बाशऊर इंसान भी आपके ताबे हो सकता है। गुजारिश है कि अपने शौहर की खिदमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करें, फिर देखें अल्लाह पाक आपके घर को कैसे जन्नत बनाते हैं। और शौहरों को भी चाहिए कि अपनी बीवी को बहुत मोहब्बत और इज्जत के साथ रखें।